होटल लिया था, बट यहाँ पे देख सकते हो कितनी बड़ी दुर्घटना हमारे साथ एक दुर्घटना हो चुकी है इस होटल में। मतलब भैया ने कुछ क्लीन नहीं रखा है। देखो ये भाई साहब को देख लो आप लोग पहले, शी इज लाफिंग। तो मेरा रूम भी बता देता हूँ आपको। वेल रुचिकर थोड़ा सा उनका इश्यू बना लिया था मैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब होटल इज वेल, नॉट नो प्रॉब्लम। फाइनली गाइस हम लोग उत्तराखंड आ गए हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार आ गए हैं। आप देख सकते हो वापस से एक नया स्टेट, नया स्टेट नई सिटी। आप देख सकते हो मेरे पीछे पहाड़। अभी यहाँ पे होता है, यहाँ से होता है गाइस एडवेंचर स्टार्ट, क्योंकि ये बहुत ही काफी बड़ी एडवेंचर इधर। हाँ सो मेरी फ्रेंड मुझे बुला रही है। कुछ छूट गया क्या? हाँ नहीं छूटा मैं भी। चलो सो चलो गाइस। नहीं मिल रहा इसीलिए तो लूट रहे। ये देख सकते हो गाइस ऐसा है यहाँ पे नजारा। तो गाइस आप देख सकते हो हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ने होटल लिया था, बट यहाँ पे देख सकते हो कितनी बड़ी दुर्घटना हमारे साथ एक दुर्घटना हो चुकी है इस होटल में। मतलब भैया ने कुछ क्लीन नहीं रखा है। देखो ये भाई साहब को देख लो आप लोग पहले, शी इज लाफिंग। तो मेरा रूम भी बता देता हूँ आपको। वेल रुचि का रूम तो थोड़ा बहुत फाइन है, बट मेरा रूम देख लो आप। भाई साहब लाइट डाल। अरे भाई लाइट आ रही है क्या? एक्चुअली एसी के लिए ये रूम बुक किया था, बट ये देख सकते हो भाई कटोरे में है सिगरेट। ये देख सकते हो आप बाप रे, यहाँ पे तो फुल चिल हुई है। लगता है भाई साहब पीकर भूल गए हैं, मतलब साफ करना भूल गए। आप देख सकते हो। तो हमने बुक किया था रूम एग्जैक्टली मॉर्निंग के टाइम तो कुछ बुक किया था, बट अभी तक कुछ यहाँ पे फ्रेशनेस नहीं है। हम आने के बाद फिर भी अब भाई साहब को बोल दिया हम लोग क्लीन करने के लिए, वो क्लीन करवा रहे हैं। मतलब एक तो मतलब जो बंदे काम करते क्लीन करते हैं ना, वो बंदे कहीं चले गए लगता है, तो लंच को गए बोल रहे थे वो। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ऐसे ही सब कुछ पड़ा। और इतनी बड़ी दुर्घटना मैं नहीं सह सकता मेरी जिंदगी में कभी। यूके में हूँ जी, हाँ यूके। अब यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं भाई साहब, उत्तराखंड में हूँ। तो आप लोग समझोगे कहाँ यूनाइटेड किंगडम कैसे चले गया ये भोसड़ी का बल्कि। यूनाइटेड किंगडम में नहीं, उत्तराखंड में हूँ। आप देख सकते हो ये मेरा, ये जरा बंद पड़ी हुई टीवी है, बस लाइट आती है पर बंद है। और यहाँ पर एसी है, लगता है चालू होगी, उम्मीद है चालू होगी, बट चालू नहीं हो रही है, देखेंगे। और वैसे भी ठंड बहुत है भाई, एसी क्या करेंगे, क्या तट्टे सुखड़वाने हैं। तो ये देख सकते हो ये बेड है और ऐसा है ये रूम। बाहर से होटल का व्यू मैं आपको बता दूंगा बाद में, बट अभी के लिए इतना देख लो। वहां पे एलईडी लाइट्स भी आपको, अगर आप हनीमून ट्रिप पे आ रहे हो तो यहाँ पे चमकता हुआ रोशन भी, चमकता हुआ सितारा भी मिल जाएगा आपको। और देख सकते हो ये ऐसी बेडशीट है, पिलो। ये पूरा रूम जब से पहले मैंने आपको बताया था ना पूरा रूम कितना गलीज था, अभी पूरा रूम साफ किया है ना भाई साहब ने। हम लंच के लिए गए थे मैं और रुचि, जैसे हम लंच से आ रहे भाई साहब ने पूरा झाड़ू मार के पूरा साफ कर दिया, और अभी अच्छा लग रहा है, अभी नींद आ रही है। गुड नाइट, मैं आपको मिलता हूँ रात को। तो गाइस जिस होटल में मैं रह रहा हूँ वो होटल का नाम है एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हो आप, होटल श्री कृष्णा। और ये पड़ जाएगा आपको उत्तराखंड में बस, मतलब जहाँ से रेलवे स्टेशन है, जहाँ से मंदिर से 1 किलोमीटर पर पड़ जाएगा, और जहाँ से रेलवे स्टेशन है वहाँ से भी 1 किलोमीटर पड़ जाएगा। आप देख सकते हो इस होटल, ऐसा है ये होटल। ये होटल के रिसेप्शन वाले भैया है, और वो क्या वाला है भाई साहब, मतलब वो जो आपने बोर्ड लगाया है हेलीकॉप्टर पैराग्लाइडिंग ग्लाइडिंग का कुछ है क्या? यात्रा की सेवाएं देते हैं। आप लोग देते हो यात्रा की सेवाएं? अच्छा ओके ओके। कहाँ पे, ऋषिकेश में या यहाँ पे? हरिद्वार से बसेस चलती है। हरिद्वार से बसेस चलती है। तो हाँ भाई साहब ये भाई लोग के जो है ना होटल जो ले आऊँ मैं, वहाँ पे यात्रा के लिए बसेस भी चलती है।
तो जो लोग आना चाहते हो आ जाओ, नॉट बैड होटल तो है, अच्छी है। बट एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग आने से पहले वो लोग क्लीन नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जो वर्कर्स थे जो भी यहाँ पे काम करते हैं वो लोग लंच के लिए गए थे, तो थोड़ा सा उनका इश्यू बना लिया था हमें। ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब होटल इज वेल, नॉट नो प्रॉब्लम, एनीथिंग इज फाइन। मैं आपको बता दिया हूँ ऑलमोस्ट अंदर से होटल, और बाहर से भी आप लोग देख लिए होंगे। तो चलो अभी मेरा रेस्ट करने का टाइम है।